नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। आइए रुख करते हैं देश विदेश से जुड़ी छोटी बड़ी खबरों की ओर। पानसेमल विधानसभा चुनाव सरगर्मी बढ़ने लगी है, टिकट नहीं मिलने से नाराज दावेदारों ने अपना जन समर्थन दिखाते हुए समर्थकों के साथ नामांकन रैली निकाली है। समर्थक अपने साथ पारंपरिक ढोल के साथ आए और थिरकते नजर आए। नगर में बाइक रैली के साथ उम्मीदवारों ने वाहन पर बैठक प्रवेश किया, जिसके बाद नगर के मुख्य मार्ग से दुर्गा मंदिर परिसर तक रैली निकाली गई, जहां एक जनसभा के बाद नामांकन रैली का समापन किया है। निर्वाचन के दौरान जहां एक और भाजपा कांग्रेस दोनों पार्टियों के अधिकृत उम्मीदवारों ने अपने नामांकन दाखिल किए हैं, तो वहीं दूसरी ओर निर्दलीय उम्मीदवार भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। निर्दलीय उम्मीदवारों के रूप में गजानंद ब्राह्मणी, रमेश चौहान, राजू पटेल, प्रकाश खेड़ेकर ने अपनी दावेदारी पेश की है। प्रकाश दूर सिंह खेड़कर, एक छोटा सा सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। यहाँ पर पूरी विधानसभा से, पलसूद, निवाली, खेतिया, पानसेमल से सभी मतदाता और वरिष्ठ आए हुए हैं और इन सब की मांग है कि इस बार एक निर्दलीय उम्मीदवार तय करें, और क्योंकि पार्टी हाईकमान ने इन मतदाताओं के साथ अन्याय किया है, क्योंकि इनकी सारी सर्वे और सबको दरकिनार करते हुए मैडम किराड़े को टिकट दिया। इसके विरोध में, इसके आक्रोश में ये भारी जनसैलाब यहाँ पे उमड़ा है और हमें पूरी उम्मीद और पूरा विश्वास है कि ये जनता हमारे साथ है और आगे भी हम चारों यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। निर्दलीय उम्मीदवार कोई भी लड़ेगा, जो भी निर्णय होगा वो लड़ेगा और उसके बाद जीत के आएगा। देखिए, पिछले 5 साल से पानसेमल विधानसभा जो है निराश्रित जैसी चलती रही, यहाँ की विधायक जो है निष्क्रिय रही, इसीलिए जो है हम लोगों ने अभी तय किया कि यहाँ का विकास अगर करना है तो विधायक को बदलना पड़ेगा और नए उम्मीदवार को जो है अभी चुनाव में जो है कांग्रेस को टिकट देना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया है। इसीलिए हम जो है तत्कालीन विधायक है उसके विरुद्ध में कई सारे जो है रैलियां निकाली, धरना दिया और आज भी जो है विरोध भी है और हम जो है निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन भरने के लिए आए। मैं रमेश चौहान, हमने हाईकमान को, मैं अभी 7वां चुनाव जीत के आया हूँ। जिला पंचायत में बड़वानी जिला में सबसे ज़्यादा वोट सी मेरी मिसल जीती है, 17,500 सीओ वोट से। बीजेपी का दोनों राज्यसभा सांसद और कैबिनेट मंत्री और हारे हुए विधायक भी दोनों थे। हमारा क्षेत्र विधायक था चंद्रभागा किराड़े। चुनाव होते तक मेरे को मुँह भी नहीं बताया और जीत की बधाई भी दी, और इसके लिए हमने बहुत कुछ करा था, वो भूल गए थे। अभी इसलिए अभी जो पानसेमल विधानसभा के पूरे खोने खोने का जो मतदाता है वो फैसला करेंगे और वो हम निर्दलीय उम्मीदवार किसको भी, हम 4 उम्मीदवार में से किसको भी हमारा मतदाता चुनेंगे, इसके साथ हम हैं और इनको जिता के लाएंगे। और जो भी है ये साथ में कोई कांग्रेस का नहीं है, बीजेपी से भी पेट भरा हुआ लोग आए हैं और कांग्रेस की भी पेट भरे हुए लोग सब हमारे साथ में आए हैं। डॉक्टर राजू पटेल, जेएस का प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष, कांग्रेस जिला पंचायत सदस्य। जैसे कि पानसेमल विधानसभा में हम लोगों ने यहाँ पर नामांकन दाखिल करने के लिए आए हैं और ये जनता जनार्दन की मांगों को लेकर आए हैं। यहाँ पानसेमल के मुद्दे की बात को कोई करना नहीं चाहता है। पानसेमल में आज भी गधे से पीने का पानी भरा जा रहा है, जिसको लेकर जनता जनार्दन में आक्रोश है और जनता ने ठान लिया है पानसेमल में आपकी बार निर्दलीय उम्मीदवार को लेकर पानसेमल जनता जनार्दन की आवाज़ है और इस आवाज़ को साकार करने के लिए हम लोग यहाँ पर आज पानसेमल पहुँचे हैं और हम लोग इस जनसैलाब के साथ हम ये कांग्रेस से जो यहाँ पर जो उम्मीदवारी किए थे हम सभी चारों साथियों ने, लेकिन उन्होंने भी हमें नज़र अंदाज किया है। तो ये जो आज कार्यकर्ताओं ने बता दिया है कि जनता जनार्दन कार्यकर्ता किसके साथ है, आप सभी देख सकते हैं।
और हम एक और बात बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर हमारे जनप्रतिनिधि थे, वो रोने धोने के अलावा कुछ नहीं किया, मगर मच्छ के आंसू बहाने से कुछ नहीं होता है। और रही बात दूसरी, हमारे एक और ये जो पास से जिसे अधिग्रहित किया है, मास्टर को भी घर वापसी करने के लिए हम लोग आए हैं। ये जो पानसेमल में ये गली गली में जो जनसैलाब है, जो एक मास्टर है उसे भी घर वापसी करने आए हैं, क्योंकि वो आदिवासी को आदिवासी नहीं वो वनवासी कहते हैं। और हमारी विचारधारा सर्व समाज की विचारधारा है,